हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राखी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एफर्मेशंस की और उनको हम अपने मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एफर्मेशंस क्या है? एफर्मेशंस पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने आप को अफर्म करने के लिए। ठीक है, क्या है एफर्मेशंस? पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। अब हमें एफर्मेशंस की ज़रूरत क्यों है मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में? तो क्या होता है कि समटाइम्स हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो एक्सेप्ट नहीं करता है जो हमारा डिज़ायर है उसको। आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे एक साल के $1,000,000 मिले, लेकिन मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बिलीव नहीं कर रहा है कि मुझे $1,000,000 मिल सकते हैं, मैं $1,000,000 अर्न कर सकती हूँ। तो अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको रीप्रोग्राम करने के लिए हम एफर्मेशंस यूज़ करेंगे। और एफर्मेशंस कैसे यूज़ करेंगे? क्योंकि एफर्मेशंस जो हैं वो पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं, हम एफर्मेशंस को बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है, एवरी डे हम रिपीट करेंगे। एंड क्या होता है कि जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड लाइक्स रेपिटिशंस। तो हम जैसे बार बार रिपीट करेंगे एक चीज़ को, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा, हमारा सबकॉन्शियस वो समझने लग जाएगा, हमारा सबकॉन्शियस वो मानने लग जाएगा कि इट्स ईजी फॉर मी टू अर्न $1,000,000 एक साल में। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल ये है कि सपोज़ अगर आपको एक ड्रीम हाउस चाहिए, लेकिन आपके पास आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरह से वो अरेंज पैसे अरेंज नहीं कर सकते, शायद 5-6 साल 8 साल तक आप घर बाय नहीं कर सकते। तो वो आपका एक सबकॉन्शियस बिलीफ है। तो उसको बिलीफ को रीप्रोग्राम करने के लिए, आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के लिए हम एफर्मेशंस यूज़ करेंगे। और हम एफर्मेशंस कैसे यूज़ करते हैं? हम एफर्मेशंस हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। सो लगा लो, अगर आपको अपना ड्रीम घर खरीदना है, ठीक है, तो आप एफर्मेशन इस तरह से लिख सकते हो कि थैंक यू यूनिवर्स, मैंने अपना ड्रीम घर खरीद लिया है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा मैंने अपना ड्रीम घर खरीद लिया है और वो बड़ा सुंदर है। आप लिख सकते हो थैंक यू यूनिवर्स, मैंने लगा लो किसी कोई आप एरिया बोल रहे हो कि मैंने एक्स वाई जेड एरिया में घर लिया है। थैंक यू यूनिवर्स, मैंने एक बहुत महंगा घर परचेज किया है। तो आप एफर्मेशंस कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए और ऐसे लिखना है एज इफ वो ऑलरेडी हो चुका है। अनदर एग्जांपल, अगर आपको जॉब मैनिफेस्ट करनी है, तो आप लिखोगे, एफर्मेशंस आपके होंगे थैंक यू यूनिवर्स कि मुझे अपनी ड्रीम जॉब मिल गई है, या थैंक यू यूनिवर्स मुझे एक्स वाई जेड कंपनी में जॉब मिल गई है, या थैंक यू यूनिवर्स मुझे एक्स वाई जेड कंपनी में इस पैकेज पे जॉब मिल गई है, ड्रीम जॉब मिल गई है, ड्रीम पैकेज मिल गया है। तो कुछ भी, एनीथिंग जो आपके साथ रेजोनेट करता है, आप वो एफर्मेशंस बना सकते हो। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि आपको एफर्मेशंस लिखनी ही हैं, आप एफर्मेशंस बोल भी सकते हो। ठीक है, मैं क्या करती थी व्हेन आई वाज स्टार्टिंग गेटिंग इनटू एफर्मेशंस, तो मैं एवरी मॉर्निंग जब मैं रेडी हो रही होती थी काम पर जाने के लिए, तो मैं ये एफर्मेशंस बोलती थी। ठीक है, या सोने से पहले बोलती थी। बाद में फिर मुझे क्या लगा कि लिखना ज़्यादा इट वर्क बेटर फॉर मी, लिखने में मुझे ज़्यादा बेटर लगा। तो आप भी वो कर सकते हो, सोने से पहले लिख सकते हो, या सुबह उठने के बाद फर्स्ट थिंग आप कर सकते हो कि एफर्मेशंस लिख लो, या आपको जब भी अच्छा लगता है, व्हेनेवर यू फील कि हाँ मुझे भी एफर्मेशंस लिखनी चाहिए, तो आप एफर्मेशंस लिख सकते हो। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ एफर्मेशंस इन द मैनिफेस्टेशन प्रोसेस। और एफर्मेशन हमेशा जो है, मैं फिर से बोलूँगी प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। और एफर्मेशंस क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए, सपोज़ अगर आप हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हो, बेटर हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप ये लिख सकते हो कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी हेल्थ अब परफेक्टली फाइन है, थैंक यू यूनिवर्स, अब मैं परफेक्टली हेल्दी हूँ। आप ये नहीं लिखें, अवॉइड करें कि आप ये नहीं लिखें थैंक यू यूनिवर्स अब मैं बीमार नहीं हूँ। हमें नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं करना है स्टेटमेंट में, हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करने हैं।
तो आई होप कि ये आपको हेल्प किया हो, और अगर आपको हेल्प किया है तो प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड लीव अ कॉमेंट.